लाल जैकेट पहने इन दबंग की बदतमीजी देखी आपने। इन्होंने पुलिस अधिकारी पर जूता फेंक कर मारा। यहाँ कई सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुए इन्होंने पुलिस पर ही जूते से हमला कर दिया। इससे कुछ देर पहले इन्होंने इलाके के तहसीलदार की पिटाई की थी और खुद तहसीलदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये तस्वीरें बहराइच के नानपारा से आई हैं। लाल जैकेट में गुंडागर्दी दिखाता ये शख्स बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा का सजा याफ्ता पति है। नाम है दिलीप वर्मा। इस दबंग की दबंग गई तो देखिए, पहले तहसीलदार को पीटा, फिर पुलिस पर जूता फेंक कर मारा। इसके बाद खुद अपने समर्थकों के साथ सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगे। अवैध बालू खनन में पकड़ी गई ट्रॉली न छोड़ने पर इन्होंने तहसीलदार की पिटाई की थी, फिर सड़क पर लेटकर अधिकारियों को हिंदू और बीजेपी विरोधी कहते हुए प्रदर्शन करने लगे। अब जिन तहसीलदार मधुसूदन आर्या की पिटाई की गई, उन्हें देखिए, वो बदहवास हालत में शिकायत करने पहुंचे। क्या क्या है? मारा है। कहाँ पर मारा है? चैम्बर में मारा है क्या? कोर्ट पर मारा? चैम्बर में मारा। किसने मारा है तहसीलदार साहब? किसने तमाचा मारा है? दिलीप वर्मा ने। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार की पिटाई से नाराज कर्मचारी यूनियन के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और फिर हड़ताल पर चले गए। नानपारा में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे और हंगामे के बाद पुलिस ने दिलीप वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिलीप वर्मा अपने दबंग कारनामों के लिए मशहूर हैं और 3 साल की सजा भी काट चुके हैं।